अब यहाँ पे हम टेस्ट करने जा रहे हैं लैब लॉन्गेस्ट मैच की। तो R1 जो आपके पास राउटर है R1 राउटर के ऊपर हम मौजूद हैं, और R1 राउटर का जो पोर्ट है दैट इज S0/0। Config T पर यहाँ पे चले गए। Config T पे जाने के बाद यहाँ पे INT S0/0 IP एड्रेस 1.1.1.1 मास्किंग 255.255.255। हम होल सिनारी में अपने जितने भी NP के होंगे 24 बिट्स का रखेंगे, एक सीक्वेंस हमने पैटर्न बना रखा है। वैसे प्रैक्टिकल सिनारी में 30 बिट होगा सीरियल के ऊपर, नो शेट। दूसरा आपके पास जो पोर्ट है S0/1, इस पर आपके पास IP एड्रेस 11.1.1.1 मास्किंग इज 255.255.255.0, नो शेट। R2 पर आते हैं, इनेबल Config T INT S0/0 IP एड्रेस इज 1.1.1.2 मास्किंग 255.255.255.0, नो शेट। INT S0/1 IP एड्रेस 11.1.1.2 255.255.255.0, नो शेट। एंड वन लूप बैक इज एग्जिस्ट, लूप बैक 192 IP एड्रेस 192.168.100.1.255.255.255.0। यहाँ से अगर हम अभी पिंग करना चाहें तो हमें पिंग मिलना चाहिए किसको, इसको 1.1.1.1 को हमें यहाँ से पिंग मिलना चाहिए, और 11.11.1.1 को यहाँ से पिंग मिलना चाहिए। कनेक्टिविटी हमारे पास इस्टेब्लिश है। R1 से दो राउट्स लिखे जाएंगे, जो कि हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं R1 राउटर से। एग्जिट IP राउट जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो, सॉरी हमें अभी स्पेसिफिक लिखना है IP राउट 192.168.100.0 255.255.255.0 एंड 1.1.1.2, ये वाला राउट जो पहला वाला राउट है। दूसरे वाले राउटर में नेटवर्क आईडी सेम है, मास्क चेंज हो जाएगा 224 और ड्रॉपिंग पॉइंट विल बी 11.1.1.2। तो बताया गया था कि राउटिंग टेबल के अंदर दोनों ही पाथ मौजूद होते हैं। अगर हम देखना चाहते हैं तो R1 पे कमांड चलाया जाएगा शो IP राउट स्टैटिक, तो दोनों ही मौजूद होने चाहिए आपके सामने, दोनों ही आपके पास मौजूद हैं। 24 वाला ही मौजूद है, 27 वाला ही मौजूद है। अब कौन से रास्ते से जाएगा डिपेंड्स अपॉन दी आपके पास लॉन्गेस्ट मैच पहला फंडामेंटल। तो लॉन्गेस्ट मैच जब चेक किया गया तो जो हाईएस्ट लॉन्गेस्ट मैच था ये वाला, यानी यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। यहाँ अगर हम डीबग IP ICMP अगर हम कमांड चलाते हैं और एंटर करते हैं और यहाँ से पिंग करते हैं, पिंग 192.168.100.1, तो हम देख रहे हैं सारे के सारे जो रिप्लाई हमें वापस हिट हो रहे हैं, इको रिप्लाई रिसीव्ड हुआ कहाँ से, सोर्स दैट वाज द सोर्स, डेस्टिनेशन किस कौन सा, जहाँ से पैकेट एग्जिट हुआ था यहाँ पे हिट हुआ। एक तरीका तो आपके पास ही है। दूसरा तरीका यहाँ से ट्रेस राउट कमांड चलाएंगे 192.168.1, तो यहाँ से नजर आ गया कि 11.2 से जा रहा है, ठीक। तो ये आपके पास दो तरीके मौजूद थे, दोनों से हम टेस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा वेरिफिकेशन हो गया कि वो लॉन्गेस्ट मैच से जा रहा होता है। तो एक हमने लैब टेस्ट कर ली, इफ लॉन्गेस्ट मैच इज आपके पास डिफरेंट हो तो जिसका आपके पास हाईएस्ट लॉन्गेस्ट मैच होता है वहां से जाता है। सेकंड हम ये टेस्ट करेंगे लैब में कि अगर लॉन्गेस्ट मैच सेम हो जाए तो AD टेस्ट की जाती है, राइट। वो अगली लैब हम टेस्ट करते हैं, पहले डिस्कशन करते हैं।